गोकुल स्थित रमन रेती आश्रम में ठाकुर रमन बिहारी का आंगन आज होली के रंगों में सराबोर हो गया। साधु संतों ने अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा के साथ होली खेली। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भगवान के साथ पहले लड्डू होली, फिर लठामार होली और फूलों की होली के साथ साथ फलों की भी होली खेली। केमिकल मुक्त होली के रस में भीग कर श्रद्धालु निहाल हो गए। गोकुल के नजदीक गुरु शरणानंद महाराज का श्री उदासीन कारसी आश्रम स्थित है, जिसे रमन रेती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस आश्रम में हर साल होली का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु होली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। रमन रेती आश्रम में जहां एक तरफ अबीर गुलाल और फूलों की वर्षा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आज बिरज में होरी रे रसिया, चलो अइयो रे श्याम पन घट पर चलो अइयो, और उड़त गुलाल लाल भे बादर जैसे होली के गीत और रसियों से आश्रम गूंज रहा था। वहीं होली के रसिया गायन पर श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं पाए और नाचते हुए दिखाई दिए। ठाकुर जी के आंगन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रासलीला का भी आयोजन हुआ। इसमें राधा कृष्ण के स्वरूप ने साधु और संतों और श्रद्धालुओं के साथ लठामार होली, लड्डू एवं फलों और फूलों की होली खेली। इस समय मैं मौजूद हूँ रमन रेती आश्रम में, जहाँ देख सकते हैं किस तरह का होली का आनंद बरस रहा है। इस होली को देखने के लिए हजारों लोग श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे लोग क्या होली का आनंद ले रहे हैं। यह फूलों की होली हो रही है और उसका एक अलग ही अलग की खास बात यह है कि यहाँ साधु संत अपने आराध्य अपने प्रभु के साथ होली खेलते हैं और भगवान भी अपने साधु संतों के साथ होली खेल के आनंद लेते हैं। इस टाइम यहाँ भक्त हैं जो पूरी तरह से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता अवस्थी, झारखंड टाटा नगर। कैसी लगी आपकी होली? बहुत अच्छी है। हुआ है कभी ऐसा होली कभी देखी है? होली यहीं पे देखी है, इसके अलावा और कहीं नहीं देखी। बहुत ही आनंदमय रहता है। हम हर साल इसी तरह यहाँ होली मनाते हैं महाराज जी के साथ, ठाकुर जी के साथ, और ऐसी होली आपको ब्रज में कहीं भी नहीं दिखेगी। यहाँ की लड्डू मार होली, लठमार होली, तेसु के फूल की होली होती होती है, लेकिन कोविड करके इस बारी तेसु के फूल पीले रंग के ना होके सूखे कलर के और फूलों की होली का आनंद हम यहाँ पे ले रहे हैं। नहीं, कहीं भी नहीं होती, और हम बचपन से हम बता नहीं सकते शब्दों में। हर वर्ष हम इतना एंजॉय करते हैं इस होली को। बहुत ही अच्छी होली होती है ये, ठाकुर जी के साथ, रमन बिहारी के साथ, रास बिहारी के साथ हम बहुत आनंद लेते हैं। ऐसी होली ब्रज में कहीं नहीं होती है जो रमन रेती में होती है, हमारे रमन रेती में। शिवानी दिल्ली से, बहुत आनंद है। अलग तरह की होली होती है यहाँ, पहले लड्डू से, फिर फूलों से, फिर गुलाल से। और उसके बाद फूलों की होली, गुलाल की होली हुई। गुलाल की होली से यहाँ पूरा आनंद रह गया। लोग नाचते कूदते हैं। आइए कुछ लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गरिमा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। कैसा लगा आपको होली? हम ये वार्षिक उत्सव में हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। बहुत ही आनंद पर रहता है ये हमारे गुरु गुरु जी के साथ और ठाकुर जी के साथ। बहुत ही आनंद आता है। कहीं भी नहीं है ऐसा आनंद, आपको ब्रज में कहीं भी नहीं आ सकता। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। तो देखा आपने किस तरह से श्रद्धालु यहाँ आनंद ले रहे हैं। होली का अपना ही अलग मजा है। ब्रज में 40 दिन की होली का डांडा गड़े आता है और यह होली कई दिन तक चलती है। मातुल शर्मा, DK न्यूज, मथुरा।